धन्यवाद चेयरमैन सर। सर यह बजट मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, वह इसलिए लगता है कि सब भारतवासियों के मन में इस बार भरोसा हुआ है, यह विश्वास भी हुआ है कि भारत आगे बढ़ सकता है और भारत एक विकसित देश थोड़े ही सालों में बनने वाला है। तो मैं इस तरीके ये बीइंग ए डॉक्टर मेडिकल और मेडिसिन फैकल्टी से आता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर एक आयुष्मान भारत के बारे में बताना चाहूँगा सर। यह एक सबसे बड़ी एक स्कीम है जो पूरे वर्ल्ड में 50 करोड़ से ज़्यादा इंश्योरेंस स्कीम है और लोगों को फायदा होने वाला है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को। जैसे अमेरिका में ओबामा केयर करके उनकी हेल्थ स्कीम को जाना जाता है, वैसे ही मुझे लगता है यह सोशल मीडिया पे नमो केयर करके जानी जा रही है, वैसे ही आगे पहचान होगी इसकी। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें विपक्ष ने काफ़ी सारे सवाल उठाए थे, जैसे कि जयराम रमेश जी का कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए, ना कि कुछ 50 करोड़ लोगों को ही इसका लाभ मिले। मुझे भी लगता है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत तो कुछ लोगों से ही हो सकती है। जैसे अभी 50 करोड़ हो रहे हैं, बचे हुए 70 करोड़ कुछ ही साल में हम कर पाएंगे, और यूनिवर्सल हेल्थ केयर लाने के लिए सबसे पहला कदम हमने उठाया है, इस सरकार ने उठाया है। जैसे इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर की आवश्यकता है, इसके साथ इसके लिए भी मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा सदन को और सब भारतवासियों को आपके जरिए कि वेलनेस सेंटर्स 1.5 लाख के करीबन खोल रहे हैं हम, तो ये सरकार खोल रही है, तो मुझे लगता है प्राइमरी हेल्थ केयर भी उसमें आज आने ही वाली है, और प्राइमरी हेल्थ केयर का पूरा समाधान हो इस तरीके से ये वेलनेस सेंटर के जरिए हम प्राइमरी हेल्थ केयर का जो भी लोगों तक के पहुंचाना है वो पहुंचाएंगे। लोगों को लगता है, विपक्ष को भी लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी का इससे फ़ायदा होगा, मुझे भी इसका डर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पहले भी इंश्योरेंस का ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि 4 गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं जो यह इंश्योरेंस ले सकती है, और पूरे भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन ये 4 जो भारत सरकार की इंश्योरेंस कंपनी है उसके जरिए होती है, तो इसमें ये परेशानी नहीं है। ये परेशानी शायद अमेरिका में हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष में नहीं है। वैसे ही काफ़ी लोगों का यह भी सवाल था कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर से इसको लाभ होगा, लेकिन मुझे बताइए कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के बगैर कोई भी स्कीम भारत में हेल्थ के बारे में हम सक्सेसफुल नहीं कर सकते, क्योंकि 80% जो भी डॉक्टर्स हैं वो आज प्राइवेट में काम कर रहे हैं, जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होती है वो 20% ही सरकारी अस्पताल में है। तो यह 70 साल में जो हम नहीं कर सके पहले, वो एक ही साल में नहीं हो पाएगा, इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का हेल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये जयराम रमेश जी ने ये भी कहा था कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का क्या होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, मैं भी उनसे सहमत हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस दवाइयों पे ज़्यादा खर्चा होते हैं और इन्वेस्टिगेशंस पे ज़्यादा खर्चा होता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो दवाई पे खर्चा होता है, उसके लिए जन औषधि यह बाज़ार में लाई गई है सरकार के तरफ से, और उससे करीबन 70-80% ये जो दवाई की कीमत है वो कम हो गई है, और मुझे लगता है उससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। वैसे ही इन्वेस्टिगेशंस ज़्यादातर पेशेंट जब भर्ती होता है तब उसमें मरीज जब भर्ती होता है तभी इन्वेस्टिगेशंस ज़्यादा होते हैं, और इसके लिए टॉपअप जो भी लगता है खर्चा वह स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें और एक अच्छी बात जो है, जो मुझे लगता है हम उसके तरफ देख नहीं रहे हैं, कि इसमें हमें पता है कि भारतवर्ष में सभी डॉक्टर्स माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, और काफ़ी बाहर देशों से भी मेडिकल का ट्रीटमेंट लेने भारतवर्ष में आते हैं। वैसे ही नर्सेस की डिमांड बहुत है,
बाहर देशों में भी अपने भारतीय नर्सों की नर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अभी इतनी बड़ी स्कीम जब आयुष्मान भारत आएगी, नमो केयर आएगी, तो काफ़ी मात्रा में पैरामेडिकल्स लगेंगे और यह पैरामेडिकल्स भी बहुत अच्छे से हम तैयार कर पाएंगे स्किल सेंटर के जरिए। ये बहुत ज़रूरी है कि 10वीं 12वीं पास हमारे जो लड़के हैं, यूथ्स हैं, युवक हैं, उनको इसमें हम समाविष्ट कर लेंगे और उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। और हेल्थ केयर में मुझे लगता है इनके जरिए हम सब लोगों तक के 50 करोड़ लोगों तक के पहुंचने के लिए ये अपने आप ही एक जो जॉब का प्रश्न है उसे हल करने वाली स्कीम होगी। और मुझे लगता है इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इसे जान लें। काफ़ी बार ये कहा जाता है कि यह जो है यह भी एक जुमला है क्योंकि इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले कांग्रेस का भी एक नारा था, गरीबी हटाओ, क्या वह जुमला नहीं था? आज तक के गरीबी हटाई गई है क्या? और वह जुमला इलेक्शन के वक्त उन्होंने कई बार उसका उपयोग भी किया है। मुझे लगता है इसे जुमला ना कहते हुए ये जो भारतवर्ष के लिए जो नमो केयर है वह भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, भारतवासियों के लिए अच्छी रहेगी और गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए भी अच्छी है। वैसे ही ग्रामीण भाग का जब ग्रामीण का हम जब गांव के मूलभूत सुविधाएं का जब सोचते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और ये पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा आवंटन किया हुआ है। जैसे इसके पहले भी अटल जी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से काफ़ी लाभ हुआ था, वैसे ही माननीय नितिन जी गडकरी के जरिए यह ग्रामीण गांव का शहर तक के जोड़ने का काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। मैं ये चाहता हूँ सभी को बताना चाहूँगा कि नितिन जी गडकरी के यहाँ उन्होंने एक लगाया है पोस्टर जिसमें लिखा है इन अमेरिका रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज रोड्स आर गुड, सो वी नीड गुड रोड्स इन विलेजेस ऑल्सो। और इसके जरिए मार्केट तक के पहुंचाने के लिए जो भी अनाज है वो मार्केट तक के पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ के रोड्स, और यहाँ के रोड्स की वजह से रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है। मुझे ये लगता है यह असंगठित क्षेत्र में जो रोड्स के लिए लोगों को रोजगार मिल सकेगा, वैसे ही आईटी सेक्टर का भी बहुत ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। मुझे यदि 1 किलो चावल परचेस करना है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के जरिए तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो कितने दिन में कहाँ आएगा, कितने बजे मेरे घर पहुँचेगा, यह सब मुझे पता चलता है। और कौन से गोदाम से निकलेगा, कौन से गाड़ी से आएगा, यह भी मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ। लेकिन आज किसान को अपना यदि अनाज बेचना है तो यह बहुत मुश्किल है कि मार्केट कहाँ है, वहाँ तक के कैसे पहुँचाए, कहाँ गोदाम में वो रखे। तो यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और रोबस्ट आईटी फ्रेमवर्क जो हम उनको दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर साथ में देंगे, तो मुझे लगता है उनको मार्केट यह कठिनाई नहीं होगी और उनकी आय जो हम दुगनी करना चाहते उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम है ऐसा मुझे लगता है। मुझे पता है कि समय की बहुत कमी है लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा ये बजट जो है काफ़ी मुद्दे हैं लेकिन ये बजट जो है सभी भारतवासियों का हौसला बढ़ाने के लिए है और नया भारत नई दिशा के लिए हम जा रहे हैं और एक नया भारत हम निर्माण करेंगे ऐसा विश्वास उत्पादन हो रहा है, ऐसा इसलिए मैं इसका समर्थन देता हूँ। धन्यवाद।